अंदाज से करूँ कि देखने वाला समझे कि ये दीवाना हो गया। अच्छा अब आपने मुझे बताना है, जैसे हमने दुरूद पढ़ा हमें देख वो कह सकते हम दीवाने हो गए, फिर किधर गई वो दीवानी? तेल दे तो सारी रात नचते हो, यार दी जान देते एक लाते तो पूरे 45 मिनट भंगड़ा पाते। मैं बात गलत नहीं करूँगा भाई, इधर वो जोशो खरोश किधर जाता है? इतने नकीब तड़े तरले पापा तड़े को सुबह लग जाता है, इतने नकीब तुम छे जुगत मार के तड़े कुल कुल बुलवा है, इधर जोश किधर गया है? पुत्र इतने जोश लिया है, होना ये चाहिए जब दरूद पढ़ने की बारी है गूंज पड़ जाए, पता लगे वाकई हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के गुलामों ने दरूद पढ़ा। किधर गई यार, किधर गया वो जोश? सियासी जलसों में वो जोश है, बोड़ा साहब तू एंड तक बैठा है ना खलोता है, ये जलसा होंगे ना किसी MLA साहब का, वो सब तू हीर लेनी रेडी कुट के नारा मारना ही ताकि MLA साहब को पता चल जाए मैं भी नारा मारे। लेकिन पुत्र मेरी गल सुन, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम को छोड़ के जितने मर्दी MLA और MP के नारे मार लो होना कुछ भी नहीं है, क्योंकि मियां मोहम्मद बाग साहब ने फैसला कर दिया। मैं कोई MLA या MP के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं मेरा एक दर्द है अंदर का, क्योंकि मैं बच्चों से कहा करता हूँ पुत्र मैं किसी गार से उठ के नहीं आया, मैं किसी जंगल से नहीं आया, मैं आपके मुआशरे का फर्द हूँ, मैं आपको देखता हूँ, मेरा फिर दिल दुखता है। अब तो खैर इतना वक्त ही नहीं होता जी निकाह पढ़ाने जाए, जब कभी वक्त मिलना पहले जाने लेट है मुझना भी आराने के घंटा नचना है। इधर इधर वो जोश किधर जाता है आपका? तो मियाँ साहब फिर क्या कहते हैं? अब फरमाते हैं मारो जिन्हें मर्जी नारे होना दे, मांगत कोलू मंगण वाला रहंदा हमेशा खाली, मांगत कोलू मंगण वाला रहंदा हमेशा खाली, उसकी देना दान मुहम्मद जिड़ा आप सवाली है। तो कुछ भी नहीं दे सके आप, 75 साल हो नहीं जी के नारे मारदे मारदे जलील ही होए और तो या कख नहीं, बल्कि क्या क्या नहीं हुआ, कुत्तों का गोश्त हमने खा लिया है, गधों का गोश्त हमने खा लिया। सच दसी जी कि बाहर होटल से रोटी खाने जाओ सामने गोश्त की प्लेट है दिल से कि वो ख्याल आंदा है ना आंदा है, और क्या सजा में ये सजा है हमें पता लगे कि हुजूर से बेवफाई की सजा है। एक बार ख्याल जरूर आता है पता नहीं लेना है अभी ये कि नहीं, सजा है जी ये सजा है हमें, क्यों? क्योंकि हमारी जुबान सबके लिए बोलती हैं, जिनके लिए ये जुबान बनी थी उनके लिए बोलती नहीं है, है? इसलिए पता मैंने 2-3 मौजू और भी बोलने बोला करो बोला करो। दूसरी बात मैं पीछे भी कह के आया हूँ, पुत्र आपका दुरूद पढ़ना बड़ों को पैगाम देगा, ये अगर वो हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम हज़रत शीमा कहती हैं अम्मा एक दिन तू घर नहीं थी, मैं भाई को साथ ली और तुझे क्या बताऊँ फिर उस दिन मैंने क्या क्या देखा है। वो कहती क्या देखा? कहती अम्मा तुझे पता बाहर कितनी तेज धूप है, सारा दिन मैं जल जाती हूँ धूप में, लेकिन जिस दिन भाई मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथ मैं बाहर निकली हूँ जैसे बाहर निकली एक बादल ने आके हम पे साया कर दिया है। अम्मा मैं जहां जहां गई बादल साथ गया, ना बादल पहले आया ना बादल बाद में आया, मैं समझ गई सीमा बादल तेरे लिए नहीं आया, बादल इनके लिए आया था। अच्छा फिर क्या देखा? अम्मा सारी लड़कियां बैठी थी, मैं भी बैठी थी, भाई मोहम्मद अलैहि सलाम मेरी गोद में थे, एक ईसाइयों का राहिब गुजरना था, उसकी नजर भाई के चेहरे नंबर पर पड़ गई, आ गया और मुझे कहता है अगर तू इजाजत दे तो मैं इनको उठा के इनसे थोड़ी सी बरकत हासिल करूँ। पहले मैं घबरा गई, फिर कहना घबरा तू दे दे, मैंने दे दिया, उसने हुजूर को अपनी गोद में उठा लिया, आपका जिस्म मुबारक अपने जिस्म से मस करता था, फिर साथ रोता जाता था, फिर वापस मेरी गोद में रखते हुए मुझे कहने लगा लड़की याद रखना अन करीब वो दिन आएगा जब ये बड़ों के भी बड़े बनेंगे। अच्छा फिर क्या देखा? अम्मा तुझे पता है बकरियां कितनी शरीर होती हैं, एक बकरी भाग जाती है मैं पकड़ के लाती हूँ दूसरी भाग जाती है, अम्मा दूसरी पकड़ के लाती हूँ तीसरी भाग जाती है, तीसरी पकड़ के लाती हूँ चौथी भाग जाती, अम्मा सारा दिन बकरियों के पीछे भाग भाग के मैं थक जाती हूँ। दूसरी बात अम्मा तुझे पता है ये सारा दिन भी घास खाती रहे ना, इनका पेट फिर भी नहीं भरता है, लेकिन अम्मा तुझे क्या बताऊँ जिस दिन भाई मोहम्मद अलैहिस्सलाम के मैं साथ गई ना कोई बकरी भी नहीं भागी, और वो बकरियां भी सारा दिन खा खा के भी रहती नहीं थी, उन्होंने क्या किया थोड़ा थोड़ा घास खा के, जहां मैं भाई मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथ बैठी थी
एक एक करके सारी बकरियां सामने बैठ गई। अम्मा फिर क्या हुआ, सारा दिन मैं भी भाई मोहम्मद ही को देखती रही, बकरियां भी भाई मोहम्मद ही को देखती रही। आला हजरत ने लिखा था, खामाए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी, वाह वाह, खामाए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी, वाह वाह, तस्वीर क्या ही अपने प्यारे की सवारी, वाह वाह। मैंने कहा पुत्रा अपने ट्रैक पे वापस आ जा, ऐसी कई रातें हजरत खत्म हो जाए लेकिन महबूब की मदद खत्म नहीं हो सकती। मैं पुत्र जिन्हें तू बनाई फिर अंडिया देना, अल्लाह तेन हिदायत दे दे, एक की है बस की, मिर्जा जो होता खुदा का नबी, मिर्जा जो होता खुदा का नबी, टट्टी में गिर के न मरता कभी। फिर मेरे वायस हजरत उम्मे सलमा बस एंड साथ थे, फरमाते हुजूर नबी अलैहि सलाम आप शदीद बुखार में थे, विसाल मुबारक के वक्त शदीद बुखार था, फरमाती माँ जरूर कहती मुझसे नहीं रह गया, मोहब्बत में गलबा किया, कहती मैंने अपना दाया हाथ ना हुजूर नबी अलैहि सलाम के सीना या कदस पे रख दिया। फरमाती फिर हाथ रखने से क्या हुआ, फरमाती कितने दिन ना भूख लगी ना प्यास लगी, फरमाती मेरे हाथ से कस्तूरी की खुशबू आया करती थी। इसलिए पुत्र फितनों का दौर है, अपनी बड़ी हिफाजत करना, क्योंकि कुरान ये फैसला कर चुका है, खातमन नबीयीन, भाई जिसने बनाया वो कह रहा है खातमन नबीयीन, जिसने बनाया वो कह रहा है खातमन नबीयीन, और जो बन के आए वो खुद कह रहे हैं ला नबीया बादी, ला नबीया बादी, ला नबीया बादी, ला नबीया बादी। ठीक है जी, पांच वक्त की नमाज, ठीक है जी, पांच वक्त की नमाज, माशाल्लाह, ठीक है जी, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह जी ठीक हो गए हैं, दुरूद पाक जी, ठीक है जी। अब आखिरी बात जी, साथ ही गल खत्म, ठीक है, अल्लाह से करना नहीं चाहिए लेकिन अब मजबूरी है जी, अगर नहीं करेंगे तो काम बड़ा खराब है। पर जिस जिसके वालिदैन जिंदा हैं या दोनों में से एक है या दोनों ही हैं, हाथ खिला दे, माशाल्लाह जिंदाबाद हो गए, थले कर लो उदा, फिर अल्लाह ते अल्लाह का रसूल है जी, कोई नहीं होता अल्लाह ते अल्लाह का रसूल। अच्छा जी ठीक है जी, आपने खुद ही कहा है कि जी या दोनों हैं या दोनों में से एक है, हूँ चलो हथ नहीं मैं खिलाता है, उन्हें आपे जरा दस लियो हूँ केड़ा केड़ा है, रोज राती उन्होंने लत्त घुट के सौंदा है, केड़ा केड़ा होंगे जरा रोज राती लत्त घुट के सौंदा है, वेख लो पुत्र है, फिर साड़ी महफल किस काम दी है, फिर साड़ी महफल किस काम दी, फिर चंडियाँ किस काम, फिर जुलूस किस काम, यार तुझे माँ प्यो ने कुट दे रखती है, बशर्मा तेन पता तेन उन्होंने किन्ना कुटे है, मेरा मैं मेरे मेरा उदन बच्चा बीमार सी, मेरी कार की सारी रात जागी और सवेरे में उठ के वेख्या उसके चेहरे ते कोई 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 वजन नहीं सी, कोई तकलीफ नहीं सी, कि मैं सारी रात जागी क्योंकि अपनी औलाद लिए जागी, तेरी माँ तेरे लिए बड़ी जागी, तेरे प्यो ने तेरे लिए बड़ी मुशक्कत की, अमरासिया उन्हें तो तेन खून पिया, तेनों पसीना पिया, सारी जवानी तेरे नवे लाश, तू इन्हें जोगा भी नहीं कि सिर्फ रोज उन्हों लत्तें घुट छड़े कर रहे हैं, पुत्र क्यों नहीं कुटते हैं, चले हो कि पासे टुर पे हो यार, कोई कुल तो सिद्धि कर लो अपने, सारिया कुल ही खराब कर बैठे, नमाजी असी नहीं, जिक्र साढ़े कल नहीं, दुरू साढ़े कल नहीं, वालिदैन की खिदमत असी नहीं करते, वो किड़े पासे टुर पे, वो क्यों लगे हो पुत्र रब के अजाब में दावत दे, क्यों लगे वो तबाहियां दावत दे, पता है नबी अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया कयामत कब आई, हर गल दसण वाली भी नहीं होंगी जी, खासा की गल आम आगे नहीं मुनासिब करनी, नहीं दसिया, पर्दा पा लिया, अर्ज की महबूब को निशानी दा छो, फरमारी तू वेखे ना कसरत ना वालिदैन की ना फरमानी हो गई, समझी हूं कयामत नेड़े आई पई है, राती इन्हें दबाया अपनी मां, जो अबू जी राती कार आना पुत्र उन्होंने पैर दबाया, पुत्र बड़े थक गए नहीं हो पैर, बड़े थक गए नहीं हो पैर, अपनी वालदा की बड़ी खिदमत करी, अल्लाह सब की खैर फरमाए, और अल्लाह में हजरत ने जो कह दिए अल्लाह में वफादार कर दे, अल्लाह
पुत्र यार ना बदली हुआ है, क्योंकि मियाँ साहब फरमाते हैं जेड़ी में